एंटी नारकोटिक स्क्वाड ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने इंस्पेक्टर अरुण की अगुवाई में तकरीबन 250 किलो गांजा रिकवर किया है। कुछ दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद आर्मी जवानों के और आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के हाउसहोल्ड आर्टिकल्स शिफ्ट करने के बहाने से काफ़ी भारी मात्रा में ड्रग्स दिल्ली में सप्लाई हो रहे हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप करने पे हमें एक टिप ऑफ मिला कि शायद एक ट्रक है जो कि सब्जी मंडी गाजीपुर में ही इस तरह से सप्लाई करने के लिए आ रहा है। हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रेड कंडक्ट की और उसमें हमें ट्रक नंबर HR69C1684 में तकरीबन 215 किलो गांजा रिकवर हुआ। ट्रक के ड्राइवर इंदरपाल, जो कि पीछे से सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है, और उसका हेल्पर मनीष, इन दोनों की डिस्क्लोजर के बेसिस पे आगे एक लुबलू चौधरी तक पहुंचे, जो कि वसुंधरा गाजियाबाद का रहने वाला है। इन दोनों ने बताया कि कुछ दिन पहले 4 जून को लुबलू चौधरी ने कूच बिहार वेस्ट बंगाल में ये गांजा ट्रक में चढ़वाया था और यहाँ पे इसकी सप्लाई लेने के लिए वो ही आने वाला था। लुबलू चौधरी को पकड़ने के बाद उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने आगे एक मोहम्मद फयाज अलियास हाफिज, जो कि वसुंधरा गाजियाबाद का ही रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया, जो कि आगे इस गांजे को बाकी छोटे सप्लायर्स के पास पहुंचाता था। टोटल जो हमने इसमें पूरी इस केस में पूरी रिकवरी की है, दैट इज 245.5 kgs गांजा एंड 4 अरेस्ट अलोंग विद द ट्रक।